हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम एलिस थी। वन डे सी हैड ए वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग ड्रीम। एक दिन वह बहुत अद्भुत और रुचिकर सपना देखी। वुड यू लाइक टू हियर अबाउट हर ड्रीम? क्या आप उसके सपने के बारे में सुनना चाहोगे? वेल, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपनेड इन हर ड्रीम। अच्छा, यह पहली बात थी जो उसके सपने में हुई थी। ए वाइट रैबिट केम रनिंग बाई इन ए ग्रेट हरी। एक सफ़ेद खरगोश बड़ी जल्दी में दौड़ता हुआ आया। अस इट पास्ड एलिस, इट स्टॉपेड एंड टूक हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट। जैसे ही एलिस के पास खरगोश गुजरा, वह रुक गया और अपनी घड़ी को अपनी जेब से बाहर निकाला। हैव यू एवर सीन ए रैबिट दैट हैड ए वॉच? क्या आप लोग खरगोश को घड़ी देखते हुए देखे हो? ओह डियर, आई विल बी टू लेट, सैड द रैबिट। खरगोश कहता है, ओह डियर, मैं लेट हो गया। एलिस हियर्ड एंड वॉच्ड द रैबिट एंड रन आफ्टर इट। एलिस खरगोश को ऐसा कहते हुए सुनती है और खरगोश को देखते हुए उसके पीछे दौड़ती है। सी वॉन्टेड टू सी वेयर द रैबिट वॉज गोइंग। वह देखना चाहती थी कि खरगोश कहाँ जा रहा है। सी फॉलोड द रैबिट एंड ट्रम्बलेड डाउन इन टू द रैबिट होल। वह खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश के बिल में नीचे गिर जाती है। देयर सी फेल फास्ट अस्लीप। और वहाँ वह गिरने के बाद जल्दी से सो जाती है। खरगोश के बिल में एलिस गिरने के बाद क्या करती है? जल्दी से सो जाती है। कैन यू इमेजिन हाउ सेफ एंड कॉजी इट वॉज? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना सुरक्षित और आरामदायक था? आफ्टर सम टाइम सी सडनली वोक अप। कुछ समय के बाद वह अचानक क्या करती है? उठ जाती है। एलिस अचानक से क्या हो जाती है? उठ जाती है। जंपेड ऑन टू हर फीट एंड रन आफ्टर द रैबिट अगेन। और कूद करके, जंप करके एलिस जो है फिर से खरगोश के पीछे दौड़ती है। बट देयर वॉज नो रैबिट। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे खरगोश नहीं रहता है। सी फाउंड हर सेल्फ इन ए बिग हॉल। और वह अपने आप को कहाँ पाती है? एक बड़े से कमरे के अंदर पाती है। विथ डोर्स ऑल अराउंड इट। और उस कमरे के अंदर चारों तरफ क्या था? दरवाजे थे। ऑल द डोर्स वर लॉक्ड। और सभी दरवाजे क्या थे? लॉक थे, बंद थे, है ना? सो सी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द हॉल। इसीलिए एलिस जो है कमरे के बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कमरा जो है चारों तरफ से क्या था? लॉक था, है ना? देयर वॉज ए लिटिल टेबल इन द मिडिल ऑफ द हॉल। और उस कमरे के अंदर बीच में एक छोटा सा क्या था? टेबल था, है ना? ए लिटिल की वॉज लाइंग ऑन द टेबल। और उस टेबल के ऊपर में एक चाबी था। सी
picked up the key and tried to unlock the doors. और एलिस क्या करती है, उस चाबी को पकड़ती है और दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है. She tried to open them one by one and when she came to the last little door, it got opened. वह एक के बाद एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और अंत में एक छोटा सा दरवाज़ा जो है क्या होता है, खुलता है. She could bend down to just peep through the door and she saw a beautiful garden outside. और वह दरवाज़ा इतना छोटा था कि वह नीचे झुक करके सिर्फ दरवाजे से झांक सकती थी, जैसे कि इसमें झांक रही है ना. और दरवाजे के बाहर क्या था, एक सुंदर सा गार्डन था. बट सी कुल्ड नॉट गो आउट थ्रो दैट टीनी डोर्स. लेकिन छोटा दरवाज़ा होने के कारण एलिस जो है बाहर नहीं आ पा रही थी, नहीं आ पाई बाहर. सी बिकेम वेरी सैड. इसीलिए एलिस क्या हो गई, बहुत दुखी हो गई. सी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल. और क्या कि दरवाजे को फिर से लॉक करके वापस टेबल में चाबी को क्या की, रख दी. सी केप्ट द की देयर. चाबी को किस में रखी, टेबल के ऊपर रख दी. सी सा स्मॉल बॉटल विथ ए लेबल. और वहीं पे क्या था, एक छोटा सा बॉटल था और उसमें क्या लगा हुआ था, ये लेबल लगा हुआ था. और लेबल में क्या लिखा था, ड्रिंक मी, मुझे क्या करो, पी लो, है ना. सी टेस्टेड इट. और वो क्या था, बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट था. उस बॉटल के अंदर जो पेय पदार्थ था वो क्या था, बहुत स्वादिष्ट था. एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हर. आप लोग जानते हो उसके साथ क्या हुआ होगा. सी गोट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर. वह छोटी से और छोटी और उससे और छोटी होते गई, है ना. टिल एट लास्ट सी वॉज जस्ट द साइज ऑफ ए लिटिल डॉल. और इतना छोटी हो गई कि एक छोटे से गुड़िया डॉल के जैसे हो गई अंत में, है ना. आप लोग देखे हो डॉल कितना छोटा रहता है, है ना. तो वो कितना छोटी हो गई, एक डॉल की जैसे छोटी हो गई. सी वॉज हैप्पी नाउ. अब एलिस क्या हो गई, खुश हो गई. सी रन टू द डोर. और खुश हो करके दरवाजे की ओर दौड़ी. बट इट वॉज लॉक. लेकिन दरवाज़ा क्या था, बंद था. देन सी रन बैक बट एलास. और वह दौड़ के फिर वापस आती है. लेकिन क्या होता है, वाई डिड सी बिकेम सैड. अब एलिस फिर से क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है. क्यों दुखी होती है, क्योंकि एलिस जो है गुड़िया डॉल के जैसे हो गई थी, छोटी हो गई थी, है ना. और टेबल ऊपर हो गया था और टेबल के ऊपर चाबी था. इस वजह से एलिस जो है दुखी हो जाती है. ये था एलिस का अद्भुत कहानी. आशा है आप लोगों को भी पसंद आया होगा, है ना. थैंक यू.